अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नॉर्मल सुई धागे से हम किस तरीके से कपड़े पर सीक्वेंस लगाकर एक यूनिक लुक दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ डिफरेंट टाइप के ये सीक्वेंस ले लिए हैं। ये मैंने लोकल मार्केट से लिए हैं, ये आपको ऑनलाइन इंस्टाग्राम स्टोर्स वगैरह पर ये अवेलेबल है, और अमेज़ॉन से लेंगे तो आपको ये क्वान्टिटी में लेना होगा। तो आप लोकल स्टोर में देखें, आपको ये ईजिली मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ डिफरेंट टाइप्स के लिए हैं, और साथ ही हम कुछ बीट्स भी यूज़ करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम वन बाय वन देख लेते हैं कि इसे कैसे लगाना है। जिसके लिए आप नॉर्मल सुई और जो हमारा कॉटन का धागा आता है सिलाई का, वो लेकर आप डबल लेकर नट दे सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये 7 नंबर की निडल और ये सिल्वर एम्ब्रॉयड्री यार्न। ये आपको लोकल स्टोर में ईजिली मिल जाएगा, हर जगह ये अवेलेबल होता है। इसे भी आपने बिल्कुल वैसे ही डबल धागा डालकर 2 बार नट दे देना है। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेड कलर का जो बटन है उसे प्रेस करके, और बेल नोटिफिकेशन आएगी वहाँ पर आपने ऑल पर क्लिक करना है, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा धागा ना डालें, ताकि आप लोगों को बनाते वक्त प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से डबल करके धागा कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसे डबल करके यहाँ पर 2 से 3 बार नट दे दी है। अब बैक साइड से हम धागा बाहर नीडल बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से, और अब इसमें हम ये वाइट वाली सीक्वेंस यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ इस तरीके से। अब ये पोर्शन हमें ऊपर रखना है, अगर आपको ये रखना है ऊपर, जो भी ऊपर की तरफ रखना है ना आपने, तो ये ऊपर रखना है, तो ये ऊपर की तरफ पकड़ते हुए ये नीडल हम नीचे से इसमें से निकाल लेंगे इस तरीके से। अब ये निकालने के बाद यहाँ पर आपने सीक्वेंस को ऐसे होल्ड करना है, एंड देन बराबर इसके बाजू से हम नीडल अंदर की तरफ डालेंगे। दैट्स इट, इस तरीके से। देन थोड़े से गैप से हमने, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से गैप से हमें नीडल फिर से बाहर निकालनी है, और फिर एक सीक्वेंस इस तरीके से इसमें डाल देना है। देन इसे खींचकर हम बाहर निकाल लेंगे, ये ऐसे बराबर ये इसके बाजू से लग गया। आपने थंब से इसे ऐसे होल्ड करना है, और ये सीक्वेंस जहाँ पर एंड हो रहा है ना, बिल्कुल वहीं पर लगते हुए हमें ये नीडल यहाँ पर लॉक कर लेनी है, और ऐसे ही हम ये सारे लगाते जाएंगे। थोड़े से गैप से आपने नीडल बाहर निकालनी है। अगर आपको गैप देना है तो थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा आप गैप दे सकते हैं यहाँ पर, और ऐसे ही हम कंटिन्यू बनाते जाएंगे। ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये हमारी पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम ये सीक्वेंस लगाएंगे और साथ ही इसके बीट्स भी लगाते जाएंगे। तो देखते हैं कैसे लगाना है इसे। बैक साइड से हमने पहले नीडल को बाहर निकालना है, देन ये जो सीक्वेंस है इसे हम अंदर डाल देंगे। अब आपको इसके ऊपर कौन से कलर का मोती लगाना है वो आप लगा सकते हैं। मैं सेम कलर लूँगी हर इसमें, पिंक कलर। तो अब इस पर आपने मोती डाल देना है। मोती डालने के बाद आपने ये सीक्वेंस को ऐसे होल्ड करना है, मोती धागे में ही रहेगा, और सेम धागे में, सेम होल में से हम फिर से नीडल को बाहर निकाल लेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और दैट्स इट। ये आपका सीक्वेंस यहाँ पर लग गया। अब जहाँ इस तरीके से, मैं थोड़ा दूर से बताती हूँ ताकि क्लियरली आप लोगों को समझ में आ सके। अब थोड़ी दूरी से आपने सेम वैसे ही नीडल निकाल लेनी है। कितनी दूरी पे आपने लगाना है ये आप पर डिपेंड करता है। एंड देन फिर से एक हम सीक्वेंस लेंगे। मैं
बहुत ही स्लोली बता रही हूँ आप लोगों को, ताकि बनाते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। और सेम होल में से मोती नीडल में चला गया है, सेम होल में से आपने फिर से नीडल को बाहर निकाल लेना है। अगर आपको लगता है तो सिक्वेंस को थोड़ा सा होल्ड कर लो, दैट्स इट। ये आपके ऐसे ही ये सीक्वेंस यहाँ पर लगता जाएगा। एक और देख लेते हैं, नीडल डाल देंगे। आपको नज़दीक चाहिए नज़दीक लगाओ, थोड़ा दूर चाहिए तो दूर लगाओ। और डिफरेंट कलर्स के मैं यहाँ पर ले रही हूँ। आप नॉर्मल टिकली पर भी मोती लगा सकते हैं। नीचे एक्चुअली में मेरा फेदर है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। एंड देन सेम होल में से हमने नीडल अंदर डालनी है एंड ये ऐसे लगता गया। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक थोड़ा सा दूर रखा है और एक बिल्कुल लगा कर बताया आप लोगों को। तो जितनी आप दूरी रखोगे ना, इसमें उतना गैप आता जाएगा। अगर आपको गैप नहीं रखना है तो आपके जो नीडल निकालोगे ना, ये थोड़ा दूर से निकालें, बहुत ज़्यादा दूर ना करें। और इसमें हम ये सिक्वेन डाल देंगे इस तरीके से। फिर इसमें मोती डाल दो और सेम होल में से आपने फिर से अंदर जाना है। ये इस तरीके से, और ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करके आपको बताते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये है इसका फाइनल लुक, और इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है। सो ऐसे ही आपने इसे फॉलो करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको जब भी आपको एंड करना होगा तो कैसे आप एंड करोगे। सिंपली आपने यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा आपने कपड़ा उठाना है, ये इस तरीके से। एंड देन ये वन टाइम हमने इसमें ट्विस्ट किया, अगेन वन टाइम हम इसमें इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे, दैट्स इट। अब आपने ऐसे खींचते हुए धागा यहाँ पर बाहर निकाल लेना है, और यहाँ पर हमारी नट आ गई। अब आप धागा कट कर सकते हैं। अब हम इस सीक्वेंस को और थोड़ा सा ब्यूटीफुल सा लुक देंगे। तो पीछे की तरफ से हमें नीडल बाहर निकालनी है, इसमें हम ये सीक्वेंस डाल देंगे। अब इसमें हमने ये जो वाइट कलर के ब्यूटीफुल से स्टार वाले सीक्वेंस लिए हैं छोटी साइज के, ये हम इसमें डालेंगे। ये डबल शेड आ गया है इसमें। अब इसमें हम एक बीट डाल देंगे, आप कोई भी कलर का डालो, गोल्डन सिल्वर भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर डार्क ग्रीन कलर ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, इन तीनों को डालने के बाद आपने नीडल को बाहर निकाल लेनी है इस तरीके से। अब मोती को अपनी जगह से हटा लेना है और इन दोनों सीक्वेंस में से हमें बाहर आ जाना है, इट मीन्स के पीछे की तरफ जाना है। यहाँ पर मेरा बताने का मकसद ये है कि आप थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस करते हुए इसको यूनिक लुक दे सकते हैं इस तरीके से। अब थोड़ी और दूरी पर हम दूर दूर ये थोड़ा सा हम लगाएंगे, इस तरीके से। पहले आपने ये डाल दिया, देन हमने ये वाइट कलर की छोटी सी सीक्वेंस इसमें डाल देनी है, देन हम इसमें एक बीट डाल देंगे। और ये जो सिल्वर कलर का मैंने एम्ब्रॉयडरी का धागा यूज़ किया है ना, ये आपको लोकल मार्केट में इजीली मिल जाएगा, हर जगह ये अवेलेबल होता है। सिर्फ आपको मोती जगह से हटा देना है एंड इन दोनों होल में से आपने नीडल अंदर की तरफ डाल देना है। सो ऐसे ही मैं ये पूरा कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। मैं एक और न्यू तरीका यहाँ पर मैंने ये हाफ में ही बनाया है, ताकि आप लोगों को इस स्पेस में एक और तरीका मैं सिखा सकूं। तो यहाँ पर हमने जो ये बैक साइड से लगाया है, ये उसका फ्रंट साइड है। अब कुछ यूनिक तरीके से सेम सीक्वेंस लगाकर मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आपने क्या करना है, नीडल बाहर निकालनी है और पूरा धागा बाहर निकाल लेना है। अब थोड़ी सी दूरी पर
यहाँ पे मैंने इसे उल्टी साइड रखा है। देखिए आप, आपको जैसे लगाना है वैसे आप लगा सकते हैं। और फिर हम इसे इस तरीके से थोड़ी दूरी से अंदर डाल देंगे, इस तरीके से ये लग गई। अब ये धागा यहाँ पर इसे हम होल्ड करेंगे, टाइट कर लेंगे और फिर थोड़ी दूरी से नीडल बाहर निकाल कर बैक तरफ आएंगे और सेम होल में से हम नीडल अंदर की तरफ डाल देंगे। दैट्स इट। क्योंकि हमें ये सीक्वेंस थोड़ा दूर दूर लगाना है, अगर आपको थोड़ा दूर दूर लगाना होगा तो यही मेथड आपने फॉलो करना है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर एक सीक्वेंस रखेंगे और बैक साइड से नीडल डायरेक्टली इसमें से हम बाहर निकाल लेंगे। यस, फिर एक धागा इस तरफ लेंगे फिर यहां से नीडल निकालकर एक धागा इस तरफ से निकालेंगे कि ऐसे। फिर थोड़ी दूरी से हम नीडल बाहर निकाल लेंगे, पूरी नीडल आपने बाहर निकालनी है। देन इसमें हम ये सीक्वेंस डाल देंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर ले और एक मुझे कमेंट भी कर दे ताकि आपका नाम मेरे पास सेव हो जाए और जब भी गिव अवे आए तो मैं अपने पुराने सब्सक्राइबर्स को भी याद करती हूँ। और यहाँ से हम नीडल डालकर इस तरीके से लॉक कर लेंगे। सो ऐसे ही आपने जितनी इसकी लेंथ आपने बनानी है ना, आप ऐसे ही बनाते जाओगे। तो ये भी एक तरीका होता है सीक्वेंस लगाने का। ये देखें, ये कंप्लीट हो गया। अब हम एक लास्ट लाइन बनाएंगे इस छोटी सी बीट से, सॉरी छोटी सी सीक्वेंस से। ये छोटी छोटी सीक्वेंस नॉर्मल सुई धागे से कैसे लगाते हैं वो भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। बैक साइड से नीडल हमें बाहर निकाल लेनी है और इसमें हम ये सीक्वेंस डाल देंगे। इस तरीके से देन एक हम थोड़ा सा ये लाइन पर है, ये थोड़ा सा क्रॉस में हम एक टक करेंगे। इस तरीके से एंड सेम होल में से हमने बाहर निकाल लेना है और एक इस तरफ से टक करेंगे क्रॉस में। ये इस तरीके से फिर हम एक सीक्वेंस ले लेंगे और नीडल हमें बराबर इससे लगकर बाहर निकालनी है। ये जो लाइन पर हमें नीडल बाहर निकालनी है, फिर इसमें हम ये सीक्वेंस डाल देंगे और एक टक क्रॉस में करेंगे और सेंटर में से नीडल फिर से बाहर निकाल लेंगे, फिर एक टक इस तरफ से करेंगे। इस तरीके से मैं थोड़ा सा नजदीक से बताती हूँ क्योंकि ये वाइड सीक्वेंस है, शायद आप लोगों को क्लियरली ना दिखे। पहले आपने ये लाइन पर इतना कंप्लीट होने के बाद बराबर सेंटर से आपने नीडल निकालनी है इस तरह से। अब इसमें से हम एक सीक्वेंस डाल देंगे ये ऐसे एंड देन एक इस तरफ से क्रॉस में टक करेंगे, फिर बीच से निकालेंगे फिर एक इस तरफ से क्रॉस में टक करेंगे ऐसे। और ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। पहले आपने बीच से निकालना है नीडल और इसमें हम एक सीक्वेंस डाल देंगे। फिर एक टक इस तरफ से होगा और
फिर सेंटल से नीडल डालकर अब हम बचे हुए स्पेस पर इन सीक्वेंस से सिल्वर सीक्वेंस से थोड़ा सा लुक देंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। साथ ही हम ये रेड कलर के बीड्स इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, पहले बैक साइड से नीडल बाहर निकाल लेनी है, इस तरफ से ये नीडल बाहर आ गई। अब इसमें हम पहले 3 बीड्स डाल देंगे। एंड 3 बीड्स डालने के बाद ये जो सीक्वेंस है वो हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, ये जो सीक्वेंस है ना, इसको ऐसे यहाँ पर इस तरीके से सेट करना है। और जहाँ पर ये बीड्स ख़त्म हो रहे हैं, आपको लग रहा है इतने स्पेस में ये बीड्स यहाँ ख़त्म हो रहे हैं, तो ये सीक्वेंस के बराबर नीचे से आपने नीडल बाहर निकाल लेनी है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से, That's it. देखिए आपने ये कैसे लग गया। अब आपने क्या करना है, फिर बराबर इसकी इस तरीके से फिर नीडल बाहर निकालनी है। 3 बीट्स हम यहां से पास करेंगे। थ्री बीट्स हमने इसमें पास कर लिए। फिर हम एक इसमें सीक्वेंस पास करेंगे। इस तरीके से 3 बीट्स और सीक्वेंसेस में आ गए। अब हम चेक करेंगे कि ये बीट्स कहाँ पर एंड हो रहे हैं, ये ऐसे। ओके, सो जहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ पर बीट्स हमारे एंड हो रहे हैं, तो सीक्वेंस को उसके नीचे इस तरीके से रखते हुए हमने नीडल अंदर की तरफ डाल देना है। बराबर सीक्वेंस के नीचे हमने नीडल डालनी है, ये ऐसे। और नीडल को खींचते हुए आप बाहर निकालोगे ना, तो ये एक लाइन में बराबर लग जाएगा इस तरीके से। फिर आपने कुछ नहीं करना है, बराबर इसके सेंटर से नीडल बाहर निकाल लेनी है। डेट्स इट, ये लग गया। फिर आप इसमें 3 मोती डाल दोगे और एक सीक्वेंस, ये देखिए। फिर हम इसे यहाँ पर पार करेंगे। एंड देन जहाँ पर मोती एंड हो रहा है ना, वहाँ पर हम ये सीक्वेंस लगा देंगे। एंड दैट्स इट, ये आपके बीट्स विद सीक्वेंस यहाँ पर लग गए। अब आपने बैक साइड से इसे सही से लॉक कर लेना है। जब आप लॉक करोगे ना, तो पहले ये धागा आपने अच्छे से होल्ड करना है एंड 2 बार टर्न लेकर ये लॉक कर लेना है। और अब यहाँ पर हम ये धागा कट कर लेंगे एंड ये आपकी सारी डिज़ाइंस बनके रेडी हो गई। तो यहाँ पर आज हमने सीखा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 6 टाइप्स के सीक्वेंस कैसे लगाते हैं। और ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बता। मिलते हैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रेड कलर का जो बटन आएगा उसे प्रेस करके, एंड बेल नोटिफिकेशन आएगी, वहाँ पर आपने ऑल पर क्लिक करना है, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखें।